पंजाब के पहले सिद्ध मां बंगलामुखी जी के स्थान मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा पंचोपचार, नवग्रह, षोडशोपचार, गौरी गणेश एवं कुंभ पूजन इत्यादि सम्पन्न कर मुख्य यजमान बलजिंदर सिंह से सपरिवार पूजा अर्चना करवाई गई। तो वहीं मां बंगलामुखी धाम में हवन यज्ञ उपरांत धाम के मुख्य सेवादार नवजीत भारद्वाज आज ने आए हुए मां भक्तों से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यात्म के अलग अलग मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग, अनुभव का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। वहीं उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग ईश्वरवादी मार्ग है, इस मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। भक्ति मार्ग वह है जहां हमें विश्वास करना पड़ता है। भगवान अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, धर्मों को लेकर विविधता भी है। सर्वाधिक विविधता भारत में है, लेकिन इस विविधता के बीच भी भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति संभव है, लेकिन इसके लिए विश्वास जरूरी है। ये बात मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने उपस्थित मां भक्तों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, एडवोकेट राजकुमार, अशोक कुमार, अवतार सैनी, अभिलक्ष्य चुग, उदय, नवदीप, अजीत कुमार, संजय, संजीव शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, राकेश राणा, प्रताप सिंह, पूनम प्रभाकर, सरोज वाला, रिंकू सैनी, केतन शर्मा, ईशु वर्मा, सुभाष डोगरा, विकी नाहर, जगदीश वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक दे स्थित है, उत्थे मां दे भव्य मंदिर दे विच अलौकिक हवन यज्ञ किया गया, जिहड़ा कि हर वीरवार लगातार किया जाता है। उस कड़ी दे विच अज नवीं कड़ी जिहड़ी हैगी उह जुड़ी हैगी है, जिहड़ा है वीरवार का हवन यज्ञ किया गया। इत्थे भगत जिहड़े स्वीट ने जिहड़े मंदिर परिसर विच पहुँच गए सीगे और उन्होंने महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। इत्थे मैं एक होर गल कहनी चाहवांगा कि मां बगलामुखी धाम के शनि नवग्रह मंदिर जिहड़ा स्थापित हो रहा है, सारे भक्तों नूं बेनती की जाती है कोई भी जिहड़ा उहदे विच दान देना चाहता होवे, सरीए का, पैसे का, सीमेंट का, कोई भी दान देना चाहता होवे कि वह भगत जिहड़ा वह मंदिर परिसर के संपर्क कर सकता है और वध चढ़ के दान दिओ तां कि जिहड़ा मंदिर जिहड़ा वधिया तों वधिया बणे। जय मां बगलामुखी। जकारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। मां बगलामुखी जी जिन्हां दी कृपा दे नाल चराचर जगत चलदा है और जिन्हां दी कृपा दृष्टि अपने भगतां ते शीघ्र अति शीघ्र मिलदी है, ऐसी जगदंबा दे चरणां दे विच साडा बारंबार प्रणाम है। मां बगलामुखी जी दे निमित्त जिहड़ा निःशुल्क हवन यज्ञ हर गुरुवार नूं अर्थात वीरवार नूं मां बगलामुखी धाम गुलमोर सिटी च हुंदा है, उहदे च कोई भी आ के हवन यज्ञ च आहुतियां डाल सकदा। अज बड़ी दूरों दूरों संगत आई और उन्होंने आ के भारी संख्या दे विच हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां। साडी जगदंबा दे चरणां च यही बारंबार प्रार्थना है कि यह जगदंबा अपने बच्चियां दे उत्ते, अपनी बच्चियां दे उत्ते मेहर भरिया हथ रखो और जिहड़ा भी उन्हां दे कारज है वह संपन्न कराओ और लगातार असीं जिहड़ी सेवा दे विच महामाई दे निमित्त इस च अग्रसर हैं और सारे सेवादार साडे सेवा करदे है। और मैं तुहानूं दसना चाहना कि पंजाब च यह अपने आप का पहला मंदिर है जिहड़ा विशेष रूप च सिर्फ माता बगलामुखी जी दे निमित्त जिच हवन यज्ञ संपन्न हुंदे है। यही नहीं कि खाली हवन यज्ञ वीरवार सवेर नूं ही संपन्न कीते जांदे है, सारा दिन इंडिविजुअल मतलब परसनल हवन भी चलते रहिंदे है। और साडा करबद्ध प्रार्थना है कोई भी भगत जन मां बगलामुखी जी दे निमित्त
ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।